आइए शुरू करते हैं। इसके अंदर हमें 900 का स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। वैसे तो आप लोग देखते ही बता सकते हैं कि 900 का स्क्वायर रूट कितना होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान नंबर है। तो 9 होता है आपका स्क्वायर 3 का, तो उसके रूट में 3 आएगा और पेयर ऑफ जीरोस में से एक जीरो आ जाता है, तो स्क्वायर रूट आपका 900 का 30 आएगा। बट क्योंकि इसने कहा है कि हमें डिवीजन मेथड से करके दिखाना है, तो आइए उसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हम 900 को डिवीजन मेथड के अंडर लिख लेते हैं। इसके बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, जो है मेकिंग पेयर ऑफ नंबर्स। पेयर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट प्लेस टुवर्ड्स द टेंस। तो हमारा एक पेयर बनेगा ये और सेकंड पेयर बनेगा ये। अब सेकंड पेयर में हमारा सिर्फ एक ही डिजिट है, तो कोई बात नहीं, जो आपका लास्ट पेयर रह जाता है उसमें आपका सिंगल डिजिट या डबल डिजिट दोनों में से कुछ भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर। जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ, अगर आपका नंबर 32925 है जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपकी पेयरिंग ऐसे होगी जिसमें आपके थर्ड पेयर में एक सिंगल डिजिट आ रहा है। बट अगर मैं इस नंबर को 632925 कर दूं और तब हमें लॉन्ग डिवीजन करना हो, तो पेयरिंग के अंदर आपके दो दो डिजिट्स आ जाएंगे। तो आपको इस तरीके से पेयरिंग करनी है कि आपके दो डिजिट्स एक के अंडर आए और लास्ट वाला जो पेयर है उसमें या तो सिंगल डिजिट बचे या फिर डबल डिजिट हो, बोथ आर फाइन। अब हमने पेयरिंग कर ली है, तो हमारा स्टेप वन था टू मेक द पेयर ऑफ नंबर्स। अब हमारा है स्टेप टू टू सर्च फॉर माय डिवाइजर। अब डिवाइजर कैसे सर्च करेंगे हम? डिवाइजर ऐसे सर्च करेंगे कि इसके अंदर आपका जो सबसे लास्ट पेयर है उसके नंबर को देखेंगे। जैसे यहाँ पे है 9 और एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर इसके नियरेस्ट हो और या इसके नियरेस्ट हो, छोटा हो और या इक्वल हो। सो आई हैव टू फाइंड अ नंबर which is nearest to 9 or equal to 9. अगर nearest है तो nearest और छोटा होना चाहिए, और अगर equal है तब तो कोई और category रह नहीं जाती। तो 3 एक ऐसा number है, अगर आप याद करें 3 square आपका 9 आता है, तो ये number आपका fit होता है, क्योंकि 4 square 16 exceed कर जाएगा, 2 square 4 उससे बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक परफेक्ट नंबर मिल गया है जो एग्जैक्टली यही डिजिट दे देता है। तो 3 से हम अपना स्टार्ट करेंगे। सो द डिवाइजर इन द स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज, द फर्स्ट डिवाइजर इज 3। सो 3 3 इज 9। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अब आ गया हमारे पास 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इज टू गेट दीज नंबर्स डाउन। तो पेयर में नीचे आएंगे तो आ गया हमारे पास 000। अब क्या करें? अब इसको हम क्या रिमाइंडर 0 मान के अंडर द रूट 900 का आंसर 3 लेते हैं, या अंडर द रूट 900 का आंसर हमें पता है 30 होता है, तो प्रोसीजर आगे क्या फॉलो होगा? इसको दिखाया कैसे जाए लॉन्ग डिवीजन में कि हमारा अभी आगे कैलकुलेशन बचती है? उसका तरीका ये है बच्चों कि हम जैसे अपने और क्वेश्चंस लॉन्ग डिवीजन के करते हैं वो यहाँ पे करते रहेंगे। तो हमारा स्टेप 3, अब हमारा न्यू, ये हमारा न्यू डिविडेंड हो गया, तो हमें अपना यहाँ पे न्यू डिवाइजर ढूंढना है उस स्टेप से। तो पार्शियल डिवाइजर मुझे मिलेगा, तो पहले मैं लिख देती हूँ इसको, हमें अपना न्यू डिवाइजर मिलेगा जिसका पार्शियल डिवाइजर होगा हमारा डबल ऑफ कोशेंट। इट विल बी डबल ऑफ द
कोशेंट विच विल बी 6 हेयर। अब यहाँ पे आप डैश लगाएंगे, जैसे आपने मेरे पहले वीडियोस में भी देखा होगा कि कैसे हमने पूरा डिवाइजर निकाला है, उसी तरीके से यहाँ भी डैश लगाएंगे। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके भी जीरो ही आए, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो ये 0 0 0 है तो 0 ही। तो यहाँ पे 1 to 9 में से कोई भी डिजिट फिट नहीं होगा, इट विल बी ओनली 0. So 60 multiplied by 0 gives the product as 0. Now the remainder will be 0. तो यहाँ तक हमें ये calculation करके दिखानी है division method के अंदर, अगर हमें square root निकालना आता है 900 का. So this is how we find it. तो हम इसको लिख लेते हैं, under the root 900 is 30. अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द सब्सक्राइब बटन बिलो। ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट www.studiestoday.com फॉर फ्री स्टडी मटेरियल लाइक सैम्पल पेपर्स, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, वर्कशीट, ऑनलाइन टेस्ट एंड कॉन्सेप्ट नोट्स मेड बाय द टीचर्स ऑफ लीडिंग स्कूल्स इन इंडिया।